चिटचैट शो कॉफी विद करण सीजन 8 26 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ऐसे में इस शो के पहले गेस्ट बी टाउन के पावर कपल में से एक रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण होने वाले हैं। अभी तक इस शो के कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल चुके हैं, जिसमें दोनों स्टार शो के होस्ट करण जौहर के साथ मजेदार बातचीत और कई खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। वही आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण किसी शो में बतौर कपल साथ आए हो। शो में करण जौहर ने दोनों से कई सवाल पूछे। इसी दौरान रणवीर ने रामलीला मूवी में दीपिका की एंट्री को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। जी हां, आपको बता दें कि शो में करण जौहर के साथ दोनों स्टार्स ने काफी बातचीत की है। इसमें उनकी प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात हुई है। बातचीत के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए रणवीर सिंह ने खुलासा किया कि फिल्म रामलीला के लिए दीपिका पादुकोण संजय लीला भंसाली की पहली पसंद नहीं थी। इस मूवी के लिए उन्होंने पहले करीना कपूर को कास्ट किया था। सेट तैयार था, शूटिंग शुरू होने में बस एक हफ्ता बचा हुआ था, लेकिन किसी कारण से करीना को फिल्म छोड़नी पड़ी। इसके आगे रणवीर ने बताया कि रणवीर वहीं पर मौजूद थे जिन्होंने हॉल में रिलीज हुई कॉकटेल में दीपिका के प्रदर्शन को देखने के बाद भंसाली और उनकी टीम को दीपिका के नाम की सिफारिश की थी। दरअसल रणवीर ने कहा था कि तब मैं वही था और सोच रहा था कि किसे कास्ट किया जाए, और कॉकटेल अभी अभी रिलीज हुई थी। ऐसे में एक्टर ने उनका नाम सजेस्ट किया और फिर इस तरह से दीपिका पादुकोण की फिल्म में एंट्री हुई। वही बता दी कि साल 2002 में फिल्म फेयर के साथ एक इंटरव्यू में करीना से जब सवाल पूछा गया था कि क्या वो कभी भी भंसाली के साथ काम करेंगी, तो इसके जवाब में करीना कपूर ने कहा था कि मैं कभी नहीं करूंगी। जी हां, बता दें कि संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास में पहले करीना को कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें रिप्लेस कर ऐश्वर्या राय बच्चन को चूज किया गया, जिसके बाद से करीना कपूर खफा नजर आ रही थी।